देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में हुंकार भरेगा जन जागरण अभियान, महंगाई के खिलाफ लड़ेगा हिंदुस्तान अभियान के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जबलपुर के अंबेडकर चौक से टाउन हॉल तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने रामधुन गाकर जनता को महंगाई के प्रति जागरूक किया। वहीं पूर्व मंत्री कौशल गोटिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से महंगाई आसमान छू रही है, बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे भारत देश में जन जागरण के माध्यम से राम धुन, कहीं पर यात्रा, कहीं पर बैठ के, कहीं पे यात्रा करके भीषण महंगाई के खिलाफ, देश में बैठी सरकार के खिलाफ उनको जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज डीजल चरम सीमा पे है, पेट्रोल चरम सीमा पे है, खाने का तेल चरम सीमा पे है, टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है, आलू प्याज अगर आदमी के जेब में 500 रुपए नहीं है तो उसके घर पर सब्जी नहीं बन सकती, दाल तेल ऐसी कोई भी स्थिति नहीं। जिस जिस चीज पे भारतीय जनता पार्टी की नज़र पड़ती है कि ये इंसान के उपयोग में आ सकती है, वो 3 दिन के अंदर उसके रेट आसमान छूने लगते हैं।